अजोके समय विच पंजाबी गायकी विच दिन ब दिन आ रहे निगार दा कारण सोच है। उस दे विचार अनुसार जेकर लोग सुनते हैं ता ही गायक गा रहे हैं। किसे एक नू दोष नहीं दिता जा सकता, सब नू अपनी सोच बदलनी पवेगी। एक गल होर है कि जेकर स्रोते इस तरह की गायकी पसंद करनगे ता हो सकता है कि होर गायक भी अजेही साफ सुथरी गायकी दे राह ते तुर पैण ते पंजाबी गायकी दे म्यार दा लगातार गिरदा जा रहा ग्राफ संभल जावे। सरताज अनुसार खास तौर ते विदेशां विच बच्चां नू अपनी मां बोली पंजाबी नाल जोड़न दे उपराले करन दी लोड़ है, जिस दे तहत बच्चां नू उन्हां दी पसंद अनुसार पंजाबी विच किताबां मुहैया करवाउणा पहला ते महत्वपूर्ण काम है। जिथे के शायर जां लेखक अपने नाम नाल निमाणा जां विचारा आदि खलस लगाउंदे हन, डॉक्टर सतिंदर सिंह ने अपने नाम नाल सरताज लिख के अपने आप नूं चुनौती पेश कीती ते थोड़े समय दौरान लोकां दे दिलां च वस के वाकई सब दे सिर दा ताज बन बैठा। जिस अलड़ उमरे विद्यार्थी अपनी जिंदगी दे हसीन पलां दा आनंद उठाउंदे हन, सतिंदर ने ओह पल लाइब्रेरी च पुस्तकां दी संगत विच गुजारे, पढ़िया पढ़िया ते सिर्फ पढ़िया। सतिंदर नूं भी इस गल दा माण है कि उसने वक्त जाया ना करके उसकी कदर ते भरपूर इस्तेमाल किया ते अज वक्त उसकी कदर कर रहा है। अज संजीदा उम्र के स्रोतों के नाल नाल नौजवान पीढ़ी भी सरताज नूं पसंद कर रही है, क्यों जो वह अपनी शायरी ते धुनां विच अजिहियां गल्लां दा ध्यान रखता है कि हर उम्र वर्ग नूं अपने नाल जोड़ सके। सरताज नूं 2003 विच दुबई विखे होए 32 देशां दे सभ्याचारक मेले विच बेस्ट सूफी सिंगर दा अवार्ड मिल चुका है। पंजाब दे सब तो वड्डे सभ्याचारक मेले मोहन सिंह यादगारी मेला विच नज़ाकत अली सलामत अली क्लासिकल सिंगर अवार्ड, रोटरैक्ट क्लब वालों यूथ आइकन अवार्ड ते कैनेडा दे हर शहर विच उसका सम्मान होया है। उसने जी टेलीविजन दे मशहूर प्रोग्राम जी अंताक्षरी विच अनु कपूर दे नाल मेहमान कलाकार दे तौर ते शिरकत कीती। सरताज ने भारत सरकार दे भारतीय सभ्याचार नाल संबंधित अदारे तो स्कॉलरशिप हासिल कीती ते 24वें सर्व भारतीय संगीत मुकाबले विच दूजा स्थान प्राप्त कीता। वख-वख अदारियां कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां वल्लों करवाए गए संगीत मुकाबलियां विच ओह जज दी भूमिका अदा कर चुका है। सतिंदर सरताज ने पंजाब हैरिटेज फाउंडेशन वल्लों करवाए संगीत मुकाबले विच पहला स्थान प्राप्त किया। उसने वारिस शाह ते बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म विच भी गायन किया। मधुर आवाज का मालक सतिंदर जब महफिल का आगाज करता है तो सब तो पहला स्टेज ते सजाए गए साजा नूं सिर निवा के नमस्कार करता है। मुड़ चौंकड़ा मार समाधि च बैठे किसी ज्ञानी ध्यानी साधु वांग अपना संगीत रूपी धूना तखाउंदा है। वारिस शाह वर्गी पोशाक पहनी बैठा सरताज अजिहे समय जद शेर बोलता है तो साक्षात वारिस शाह दा वारिस ही जापता है। धीर गंभीर सरताज दे चेहरे ते कदे गंभीरता अपना परछावा दिखाउंदी है ते कदे चंचल मुस्कान अपना डेरा पा लैंदी है। सब तो पहला ओह परम पिता परमेश्वर दे चरणा कमलों विच अपनी प्रार्थना करता है अपने कलाम साई नाल। साई वे साडी फरियाद तेरे ताई, साई वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साई वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साई वे हाजरा हजूर वे तुआई। कलाम जद अपने शिखर ते पहुंचदा है तां महफल च जुड़े स्रोते आनंद दी रौ विच बह जांदे हन। अपने पहले ही कलाम नाल सब नूं पी लैंदा है सरताज। मुड़ तां आनंद ही आनंद दो ही गल्लां हुंदियां ने, इक सतिंदर दी शायरी ते दूजियां दर्शकां दीआं ताड़ियां ते दाद, दोनों एक दूजे दे पूरक बन जांदे हन। सतिंदर अपने स्रोतियां नूं आनंद दे सागर विच अजिहियां डुबकियां लगवाउंदा है कि पता ही नहीं चलदा कि वापर की रहा है, बस समा ही रुक जांदा है। किसी भी फनकार दी जिंदगी दे
सब तो अनमोल पल ओ हुंदे ने जद महफला विच हौसला अफजाई हुंदी है, ताड़ियां वजदियां हन। सरताज दी जिंदगी दे यादगार पल भी अजिहे ही हुंदे हन, पर ओ कहिंदा है अजे तां संघर्ष चल रहा है। एह लेख लिखण तो पहला सरताज दी गायकी नूं नेड़े तो जानण लई कल्ले बैठ उस नूं बहुत वारी सुनिया, महसूस कीता, अपने दिलो दिमाग नूं खुला छड़ दिता सरताज दे वैन विच बहण लई। सरताज दे नाल नाल फुल्लां दे बागां जंगलां बेलियां च खूब घूमिया, खुले आसमान च खूब उड़ारियां लाईयां, डूंघे समुंदरां च खूब तारियां लाईयां। बस उस दी गायकी सी ते मैं सां। जद उसका अम्मी कलाम सुनिया ता फुट फुट रोया, मेरी माँ पलां छिणां विच ही पंजाब तो साडे कोल आ बैठी, मैं उसकी आमद नूं साडे कोल बैठण नूं महसूस कर सकता सां पर उसनूं छू नहीं सकता सां। माँ दा हथ अपने सिर ते अपने चेहरे ते फिरदा होया देखता रहा सां पर उसकी छू मेरे तो हजारां किलोमीटर दूर सी। सरताज ता मेरे दिल दा दर्द मेरियां अखां राहीं बाहर वगा रहा सी, पर पंजाब च बैठियां हजारां मावां दे दर्द नूं मैं समुंदरों पार बैठी अपनी मां दे चेहरे ते देख रहा सां। दूरों बैठ दुआवां करदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी, वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले सानू कुछ ना हो जाए डरदी अम्मी। पंजाब विच वगदे नशे दे दरिया नूं थल पाउण दे उपरालियां च उस दे विचार अनुसार मीडिया वल्लों अजिहे प्रोग्राम दिखाने चाहीदे हन जिस नाल नौजवानां नूं प्रेरणा मिले। ओदी दीद वालियां शराबां मिठियां किद्दां पता लगू जे कदे ना डिठियां, इक अद्धा घुट पी के देख तां सही, फक्करां दे वांग जी के देख तां सही, एवें पी जाने शराबां कौड़ियां, आशकां ने सिद्धियां हिलाईयां पौड़ियां। ते जद सरताज गाउंदा है मेरी हीरिए फकीरिए नी सोहणीए, तेरी खुशबू नशीली मन मोहणीए, याद आवे तेरी जदों देखां चंद मैं, तू ही दिसे जदों अखां करां बंद मैं, मैनू लगे राधा तू ते लाल नंद मैं, काश तैनू भी होवां एदां पसंद मैं। सुन के सच्चे सच्चे आशकां दी याद आउंदी है। राधा कृष्ण जिहा पवित्र इश्क करन नूं मन लोचदा है, किसे अपने लई फना हो जाण नूं दिल करदा है, जापदा है कि इश्क ही रब दी भगती करन दा रस्ता होवे। सरताज अजिहे पवित्र इश्क दा वर्णन करदा है कि जेकर आशक अपने इश्क नाल अजिहा इश्क करे तां यकीन रब नूं पा लवेगा। उसने अजे लंबा सफर तय करना है, देश या विदेश विच उस दियां महफलां दे स्थान चोणवे हो सकते हन, पर उस दी पहुंच हर शहर हर पिंड किसान ते मजदूर तक होनी यकीनी है। जापदा है ओ समा दूर नहीं के जिवें किसे समय हर नौजवान दी जुबान ते हीर ने अपनी पहुंच कीती सी, 21वीं सदी दे इस वारिशाह दे समय विच हर नौजवान दिल यही गुनगुनाउंदा होवे, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोहणीए, तेरी खुशबू नशीली मन मोहणीए। पर इस लई सरताज द्वारा बड़ी मेहनत कीती जानी बाकी है। अमीन। जाके फुल्लां वाला जंगल फरोलो नी।